हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग मिनी वीडियो। सो गाइस, आज हम बनाएंगे चॉकलेट्स बॉल्स जो मेरी बेटी के फेवरेट्स हैं। तो ये मेरी बेटी चॉकलेट ठूसती हुई, तो हम लेंगे बर्बन बिस्किट। तो मेरे को छोटे पैकेट में लेते, देन उसी का स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने सारी चॉकलेट बिस्किट डालती थी मिक्सी में, एंड देन इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। तो एक मैंने सोचा कि तब तक मैं भी कुछ खा ही लेती, फिर एक मैंने बाइट ली और बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हमने इसका बहुत ही बारीक महीन पाउडर बना लिया था। देन मैंने इसे एक बड़े से बाउल में ले लिया, फिर मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की, बहुत मज़ा आया हम दोनों को कुकिंग करने में। सानी की फर्स्ट कुकिंग थी, वैसे तो रोटी वगैरह बनाती रहती है बस, क्योंकि अभी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। एंड देन इसमें थोड़ा सा हम डाला दूध, हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे, एक ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा थिक भी नहीं, एक लेयर ही में। मज़ा आ रहा है कुकिंग करने में? कुकिंग मैम ने भी खिलाई थी कनिका मैम ने, और मैंने डोनट के ऊपर पाकल डाले। अभी भी मैं ये बना रहा हूँ। ओके, ये देखो गाइस चॉकलेट। तो अब रखेंगे हम अपने पैन गैस पे, एंड देन इसे गैस ऑन करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा सूखने देंगे, क्योंकि अभी मैंने इसे थोड़ा सा वॉश किया था, क्योंकि इसे पड़े पड़े थोड़ा हो जाता है मकड़ी वगैरह, तो इसलिए। एंड देन उसके साथ मैंने दो लिया डेरी मिल्क की चॉकलेट, जो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई थी, तो जिसके कारण मुझे लगता है ये शायद अच्छे से कवर नहीं करेगा, तो इसके कारण ये ऐसे निकला अंदर से। ठीक है, ये है हमारा चॉकलेट का धसली लगा। नहीं, फिर उसके बाद मैंने ग्रीस किया, क्योंकि गर्म हो चुका था, तो बीच ही रायता गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने इसे हल्का हल्का सा ग्रीस किया है घी लगा के, एंड देन मैं इसमें डालूँगी अपना जो बैटर है। इसे अच्छे से आप मिला लीजिए, कोई भी लम्स ना रहे, एंड देन इसे बटर, मतलब जिसका बैटर है वो डालते रहिए। और फुल्ली मैंने सब कुछ फिल कर दिया था, देन उसके बाद मैं इस पर हल्की सी लीड लगा दूँगी और गैस की आँच को कर दूँगी थोड़ा सा मध्यम। ये हमारा चॉकलेट चोर, ये बस अब मैं चाचा की मूवी का चलाने के लिए खा दूं। तो यहाँ पे मैंने इसे 2-3 मिनट रखा, तो उसके बाद ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से भी थोड़ा सा पकी पकी सी लेयर लग रही है। और अब हम इसे करेंगे टर्न कर देंगे, ताकि ये उधर दूसरे साइड से भी पक जाए। तो देखो ये अच्छे से आप किसी भी नाइफ की मदद से, स्पून की मदद से आप इसे ट्विस्ट कर सकते हैं, एंड देन ये आपको इसका फ्लेवर आएगा, जैसे हम चॉकोलावा केक लेते हैं ना, तो वैसे इसका फ्लेवर लगेगा आपको। तो ये मेरा रेडी है बनके, तो अब मैं इसे करती हूँ थोड़ा सा लेड लगा के, फिर उसके बाद से सर्व करूँगी। सो गाइस, ये बन के रेडी हो चुका है, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।